बाजी देखें, घर तो बिक चुका है, पैसे तो वापस नहीं हो सकते। बाबर, बाबर, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दें बाजी। मेरे कहने का मतलब है तुम अरसलान भाई का बिजनेस ज्वाइन कर लो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे कहने पर हम इस घर में शिफ्ट तो हो गए, अब अपने पर काट के नहीं दे सकता। तुम्हारी बीवी के कमरे में गई थी उसे सलाम करने, जानते उसने मेरे साथ क्या किया? क्या? मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी, बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी। जी भाई, कमार में कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, कोई पूछे तो बता दूँ और वापसी का भी कुछ पता। ठीक है बॉस, जैसे आप लोग। पुराना नंबर मैंने बंद कर दिया, नए नंबर से तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, चेक कर लो। आया? जी भाई। और हाँ, बाजी और लाइबा आएंगे, इनको संभाल लेंगे, समझ गए? जी भाई। ये पैसे पकड़ो, तब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हारा खर्चा। ठीक है, सब संभाल लेंगे, बेफिक्र हो जाइए भाई। क्या कर रही हो? अच्छा लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करवा दे। नहीं बीबी जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दो। अरे लाओ दो मुझे, सारा दिन आराम ही तो करती हूँ, बोर हो गई हूँ मैं, लाओ दो मुझे। छोटी बीबी ने देखा तो वो नाराज होंगी, आप मुझे करने दें। अरे जाओ ना, कुछ नहीं कहती वो, जाके तुम कोई और काम देखो, किचन में देखो कितना काम फैला पड़ा है, वो बर्तन धो लो, जाओ। देखो तो हाँ, कितनी गंद में ये सब्जियां काटती हैं, हमें गंद खिलाती हैं, हद है। ये आप सब्जियां क्यों काट रही हैं? कमरे में बैठे बैठे बेजार हो गई थी, सोचा इसकी मदद ही करवा दूं, जल्दी काम हो जाएगा। आंटी, पुराने घर में तो आपसे काम होता नहीं था, उठते बैठते आपके जिस्म में दर्द होता रहता था, अब इस घर में इतना आराम है तो आपको हजम क्यों नहीं हो रहा? अगर आप ये सारे काम करना चाहती है तो मुझे बताएं, मैं नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ। अगर मैंने उसकी मदद करवा दी तो क्या फर्क पड़ गया? मुझे फर्क नहीं पड़ता आंटी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप सारे घर की जिम्मेदारी ले लें, लेकिन आपका बेटा है ना उमर, उसको लगेगा मैं उसकी अम्मी जान से काम करा रही हूँ, वो मुझे इल्जाम देगा। और ये जो सर्वेंट्स मैंने रखे हैं ना, ये शोपीस बना के सजाने के लिए नहीं रखे, काम करने के लिए रखे। प्लीज आप जाएं अपने कमरे में जाकर आराम करें, छोड़े भी जाएं। जल्दी बाहर आओ इधर, तुमसे काम नहीं होता ना तो मुझे बता दो, मैं दूसरे का बंदोबस्त कर लेती हूँ। मैंने तो बड़ी बीबी जी को मना किया था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। आज के बाद मुझे इस किचन में तुम्हारे अलावा कोई नजर आया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, काम करो अपना। ठीक है बीबी जी। बाजी, आप यहाँ? बाबर कहाँ है? बाबर भाई, बाबर भाई तो मुल्क से बाहर गए हैं, बताया तो होगा आपको। क्या मतलब मुल्क से बाहर चले गए? अभी हमारी उनसे बात हुई है। अच्छा, टिकट तो पिछले हफ्ते ही बुक करवाई थी उन्होंने, और अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं वो। देखो मैं सब समझती हूँ, मुझे सच सच बता दो वो कहाँ है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, बाबर भाई बाहर गए हैं। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। मामा आप इसे क्या कह रही हैं? ये तो वही बोलेगा जो मामू ने इसको सिखाया है। चलें घर चलते हैं हम लोग। ये बॉस को बता दो मैं वो घर नहीं छोड़ूंगी, और अगर उसने जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगी, समझ आई है? चलें गाड़ी में बैठे। हेलो बॉस, वो बाजी आई थी।
क्या डाला है खाने में? मसाले। मसाले? आंटी, अब खाना दोबारा बनाओगे मेरे सामने? मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से मसाले डल रहे हैं। जी क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई? कैसे चोरी, मैंने क्या किया? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम जो करना चाह रही हो ना, सब पता चल गया है मुझे। क्या करना चाह रही हूँ मैं आंटी? इतनी मासूम तुम हो नहीं जितनी मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो। ये जो तुम स्लो पॉइजनिंग कर रही हो ना, मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ। आप क्या कह रही हैं आंटी, मैं क्यों दूंगी आपको जहर? ताकि इस घर पे अपनी हुक्मरानी कायम कर सकूं। लेकिन एक बात याद रखना लड़की, मैं अपनी जिंदगी में हरगिज भी ऐसा होने नहीं दूंगी। बाज आ जाओ, ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना, सुधर जाओ, वरना मैं ये तुम्हारी हरकतें बता दूंगी हैदर को। मैं तुमसे अच्छी तरीके से वो पूछेगा। और हाँ, खबरदार जो किसी चीज को तुमने हाथ लगाया होगा, खाना बनाओगी अब तुम तनवीर के सामने। तनवीर, तनवीर। सलाम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त खैरियत? हाँ बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने सोचा रेस्ट। आप इस वक्त? हाँ, सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था इसलिए जल्दी आ गया। तुम क्या कर रही थी इस वक्त किचन में? मैं खाना बना रही थी। मैंने पहले भी फोन किया था, तब भी तुम खाना बना रही थी, अब भी बना रही हो? वो जल गया था इसलिए दोबारा बना रही थी। प्लीज अपना ध्यान रखा करो ऐसा, खाना छोड़ दो, मुझे सिर्फ चाय बना दो। मैं बस अभी लाती हूँ। हेलो लाइवा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सब खैरियत तो है? बताओ तो सही, हुआ क्या है? राबिया कहाँ है, ठीक तो है? अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज़। क्या हुआ, सब खैरियत? पता नहीं क्या है, लाइबा का फोन था, इतना रो रही थी, मुझे बुला रही है, कह रही है आ जाए। तुम हैदर मुझे ले चलो जरा राबिया के घर। अम्मी मैंने भी आपको बताया मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आपको कल ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा ना। लाइबा रो रही थी, इतनी परेशान थी, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा ठीक है, मैं छोड़ा तू आपको, लेकिन अम्मी मैं आपको बाहर से ड्रॉप करूंगा, मैं खाला के घर के अंदर नहीं जाऊंगा। वाह हैदर, उस लड़की के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, कि मेरी तो बहन है ना, मेरा खून है, मैं नहीं छोड़ सकती। अम्मी प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मान ले मेरी बात, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा। लेकिन हैदर। आयजा, जी आयजा, हम खाला के घर जा रहे थोड़ी देर के लिए, आते हैं, चले अम्मी। तो था, क्या ढूंढ रही है पप्पू? अरे बेटा, उमर ने ना दवाइयाँ ला कर दी थी मुझे, लेकिन ये बताना ही भूल गया कि कौन सी दवाई किस वक्त पे खानी है। दवाइयों का पर्चा ढूंढ रही थी, पर ये रहा, मिल गया। अरे चश्मा कहाँ है मेरा, मैं लाती हूँ। मैं देखती हूँ ना, मुझे ये दवाइयाँ। ये आपको अभी खानी है, ये आपको शाम को खानी है दो, और फिर ये रात को। ये मैं सारी ऐसे रख देती हूँ कि आपको आसानी से मिल जाए। मैं सोच रही थी कि दोपहर की दवाई रह ही जाएगी मेरी। आप मुझे बुला लिया करें ना, मैं आपको मेडिसिन दे दिया करूँगी, बल्कि अब से ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फिक्र मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पहले तो मेरा ख्याल ना आयशा ही रखती थी, वो ही देती थी दवाइयाँ मुझे, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ना,
लावारिस हो गई हूँ। कोई ख्याल ही नहीं रखता मेरा। उम्र है, थोड़ा बहुत ख्याल रखता है, बाकी किसी को परवाह नहीं है मेरी। मैं रखा करूँगी आपसे आपका ख्याल। वैसे इंसान को इतना नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। कितना ख्याल रखती हूँ मैं आपका, कोई और होता ना तो ये भी ना करता आपके लिए, और आप ये सब कह रही हैं? नहीं नहीं पप्पू का ये मतलब नहीं था, वो तो बस कह रही थी कि घर में अकेली होती हूँ तो। बस बस सब समझ आ रहा है मुझे, और तुम भी उनको बढ़ावा मत दिया करो, समझ आई है तुम्हें? इतना ख्याल रखा नहीं जाता, दूसरों को एडवाइस देने चली है। माफ करना बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ना मैं तुमसे ये बात करती ना वो तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती करती, सब कुछ मेरी वजह से। रेस्ट करे, ये ले दवा खा। मैं आपके लिए पानी लेके आ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अरसलान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जूस इस वक्त? वो दरअसल मुझे थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी। वीकनेस? क्या बात है, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है मेरी, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या? वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या? आयशा, थैंक यू सो मच, इतनी बड़ी खुशी खबरी थी तुमने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूं। अच्छा मेरे ख्याल में हमें ना डॉक्टर के पास चलना चाहिए, मैं फोन करके अपॉइंटमेंट लेता हूं। अरे अभी अभी नहीं, आप पहले फ्रेश हो जाएं, कुछ चले जाएं। फ्रेश ही फ्रेश हूं, बल्कि सच पूछूं तो आयशा, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मेरी जिंदगी की सारी थकावट ही दूर हो गई है। अच्छा खैर, तो तुम रेडी हो के नीचे हो, मैं डॉक्टर को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, जल्दी आना नीचे, मैं वेट कर रहा हूँ। राबिया, ऐसे ही रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? बाबर ने धोखे से ये घर अपने नाम करा दिया और बेच भी दिया आगे। क्या? कब? और तुम्हें किसने बताया? मामू से बात हुई थी, उन्होंने जिस आदमी को घर बेचा है ना वो यहाँ आया था, और हम लोग को धमकी देके गया कि अगर ये घर खाली ना किया तो तुम लोग को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। आपा, हम माँ बेटी तो रुल गए, लुट गए, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ये जो एक छत थी वो भी छीन गई हमसे। मामा, आपको बाबर मामू पे ना बिल्कुल यकीन ही नहीं करना चाहिए था। अब गलती तो हो गई है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? मुझे तो लगता है कि नजर खा गई हमें। राबिया, खुदा के वास्ते रोना बंद करो और तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं पा, मैं मर के भी इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। तैमूर से ज्यादा इस घर के बनाने में मेरी मेहनत गई है, मैं कभी भी इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं।
हाला के घर जाके आयजा को हैदर की लाइफ से निकाल सकती हूँ। तो क्या करोगी? शोर मचाओगी? FIR कटवाओगी? मुझे जो भी करना पड़े, जिस हद तक भी जाना पड़े, मैं जाऊंगी। लेकिन मैं हरगिज़ इस घर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बिला वजह तमाशा बनाओगी, अपना भी, हम सब का, जवान बेटी का साथ है तुम्हारे, क्या बताएंगे लोगों को कि भाई ने धोखे से इनाम करवा लिया घर और बेच दिया। मुझे तो अब लगने लगा है राबिया, तुम्हें एमल की आह लग गई है। क्या आप पे हैदर की तरह तंज करेंगी हम पर? नहीं नहीं, मैं तंज नहीं कर रही हूँ राबिया, मैं तो समझा रही हूँ। क्या जरूरत थी उस एमल को घर से बाहर निकालने की? यहीं किसी कोने में पड़ी रहती आराम से, तुम्हारा क्या जा रहा था? आज कम से कम ये तो ना होता तुम्हारे साथ। मेरी बात सुनो राबिया, मैं समझती हूँ तुम्हारा दुख, मैं समझ सकती हूँ इस तकलीफ को, ये कोई छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। बस मेरी बहन तुम हिम्मत करो। कैसे करूं हिम्मत अब्बा, कैसे? मेरी उम्र भर की कमाई, मेरी बेटी का हक, वो कैसे छीन सकता है ऐसे? उसको जरा से भी ख्याल नहीं आया, बेवा बहन, यतीम भांजी का हक उसने छीन लिया इतनी आसानी से। अल्लाह अल्लाह, ऐसा सनील भाई किसी बहन को ना दे, हारत करे ऐसे भाई को। देख लेना, एक दिन मुंह की खाएगा वो भी। यही पैसा ना उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। तुम लोगों के सर से छत छीनी है ना उसने, खुद भी सारी उम्र इसी तरीके से बेघर और बर्बाद रहेगा। हम कहां जाएंगे अब, कहां जाएंगे? हमारे तो सर से भी छत छीन के हमें कौन रखेगा? राबिया, क्या मैं मर गई हूं? तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। बस मैंने कहा है ना, तुम मेरे साथ चलो। मामा, खाला ठीक कह रही है, उनकी बात मान लेनी चाहिए, हम उनके साथ उनके घर चले जाते हैं ना? ना, मैं आपके साथ उस घर में नहीं जा सकती हूँ। उठते बैठते हैं इधर तंज करेगा, बेइज्जती करेगा, और उसकी बीवी क्या कभी हमारी इज्जत करेगी? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी किसी की गुलामी करे। हैदर और उसकी बीवी की क्या मजाल के कुछ कहे? इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बस मैंने कह दिया, तुम मेरे साथ जाओगी, सामान पैक करो। मामा मान जाए ना, हमारे पास और ऑप्शन भी तो कोई नहीं है ना। हाँ प्लीज। SHO साहब, यही है वो औरतें जो मेरे घर पे कब्जा जमाए बैठी हैं। मैंने ये घर खरीदा है और ये खाली नहीं कर रही हैं। बीबी, आप घर खाली क्यों नहीं कर रही हैं? ये घर मेरा है। झूठ बोल रही है SHO साहब। ये देखें, मेरे पास इस घर के पेपर हैं। झूठ हम नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं SHO साहब। ये इन्होंने धोखे से हमारे घर पे कब्जा किया, और ये जो कागजात है ना, ये भी नकली है। अगर ऐसा है तो आप कोर्ट में केस करें ना। अगर आप केस जीत जाएंगी तो घर आपको मिल जाएगा। अभी इस वक्त आप ये घर खाली करें। मैं मर के भी ये घर खाली नहीं करूंगी। अभी आपको आराम से कहा जा रहा है बीबी, आप भी अपनी इज्जत रखें और हमारी भी इज्जत रखें और इस घर को खाली कर दें। अच्छा अच्छा SHO साहब, हम ये घर खाली कर देंगे, हम भी कोई तमाशा नहीं चाहते। राबिया, जिद छोड़ो, पैकिंग करो, चलो मेरे साथ। SHO साहब, आप हमें थोड़ा टाइम, एक दो घंटे दे दें, कुछ सामान बस पैकिंग करनी है। ठीक है, मैं आपको 2 घंटे का वक्त दे देता हूँ। नासिर, चलो मेरे साथ आ जाओ।
सोचने वाली बात यह है कि अगर हैदर को पता चलेगा कि मैंने तुम्हारी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया और तुमने साफ साफ इनकार कर दिया तो जानती हो क्या होगा? हैदर तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। बेनाम से मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। अब मैडम आज से आपने मुकम्मल रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना, किसी काम को हाथ नहीं लगाना और सारा दिन तुमने लेटना है यहाँ पे, रिलैक्स करना है बस। मैं वैसे भी कौन सा काम करती हूँ, सब काम नौकरी तो करते हैं। जी हाँ सब मालूम है मुझे, सब जानता हूँ। आ जाओ। जी साहब जी आपने बुलाया। परवीन आज से तुमने आयशा बीबी को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देना, खाना तुम बनाओगी, तुमने इनको सारा दिन बेड रेस्ट कराना है और बिल्कुल हिलने नहीं देना, जो ये मांगेगी इनको देना है बेड में लाके, ठीक है? जी ठीक। चलो जाओ। क्या हो गया आपको? मैं कौन सा उसके साथ काम कराती हूँ, बस हेल्प ही तो करती हूँ, वो तो मुझे करने दे। मैडम डॉक्टर से आपके सामने बात हुई थी ना, डॉक्टर ने आपको मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है कि नहीं कहा? अरे तो बंदा पूरा दिन घर में हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकता ना। आयशा हम दोनों के लिए कह रहा हूँ, हमारे बेबी के लिए प्लीज। अच्छा खैर मैं इस मामले में तुम्हारी कोई बात नहीं मानता, पर वैसे भी कौन सी मानता हूँ। चलो रेस्ट करो। लाइबा बेटा चुप हो जाओ, बस चुप 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 सब्र करो। राबिया तुम तो सब्र करो, देखो वो भी परेशान हो गई है, चुप कर जाओ, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। जाओ जाके जल्दी से खाना लगाओ। जी मैं लगाती हूँ। अच्छा सुनो, राबिया और लाइबा यही हमारे साथ रहेंगी, कल से खाना ज्यादा लोगों के लिए पकेगा। जी अच्छा। क्या अच्छा थी, हैरत की क्या बात है? नहीं मैं तो बस जो कहा है वो सुनो, राबिया और लाइबा जो कहें वो पकाना है, जैसा कहें वो करना है, मुझे बिल्कुल शिकायत का मौका ना मिले। बस करो राबिया, देखो बेटी भी हलकान हो गई है रो रो के। तो मैं सोच रही थी दोबारा जॉब शुरू कर दूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो उसी स्कूल में दोबारा पढ़ाना शुरू कर देती हूँ जहाँ पहले पढ़ाती थी। मुझे क्या एतराज हो सकता है, ये तो अच्छा है तुम्हारा दिल लग जाएगा, बल्कि मैं तो कहूँगी कि इसी के साथ तुम अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू कर दो। यही सोचा है। हेमंत तुम्हें कोई परेशानी है यहाँ पर? मेरा मतलब है बोर होती हो उसके लिए जॉब पे जाना ठीक है, लेकिन अगर कोई पैसों का मसला है तो मैं मैनेज कर लूँगा। थैंक यू, मगर मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रही हो, बेटियाँ कभी माँ पे बोझ बनती हैं? हाँ हेमल तुम्हें ज़रूर जॉब करनी चाहिए, और वैसे भी तुम घर बैठ के क्या करोगी, तुम्हें बिल्कुल जॉब करनी चाहिए, हम में से किसी को कोई एतराज नहीं है। जो तुम्हारे दिल में आता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। हैदर, आंटी क्या कह रही है? क्या कह रही है? लाइबा और राबिया आंटी यहाँ रहेंगी। वो मैंने तुम्हें बताया था ना मामू ने उन लोगों के साथ क्या किया है। और राबिया आंटी ने जो मेरे और एमिल के साथ किया, भूल गए आप सब कुछ? उसके बावजूद आप उनको यहाँ रखना चाहते? उन्होंने जो तुम लोगों के साथ किया है उसी की सजा मिल रही है उन्हें, कि आज मामू धोखे से उनका घर आगे किसी और को बेच आए और वो मालिक मकान धक्के देके निकाल रहे। तुम दोनों को धक्के दिए थे ना,
आज उन्हें धक्के पड़ रहे हैं। इसे कहते हैं मकफाते अमल। आयशा, तुम खान और लाइबा जैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, समझदार हो, तुम्हें तुम्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। किस बात का डर? आपको खो देने का डर। लाइबा आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे उसकी चाल नहीं समझ आती। मैं नहीं कर सकती उसकी बराबरी। तुम्हें उसकी बराबरी करने की जरूरत भी नहीं है, मैं समझता हूं ना तुम्हें, और मैं उस लाइबा को भी समझता हूं। ऐसा मेरी मोहब्बत के रंग इतने कच्चे नहीं जो गलतफहमी की बारिश से आसानी से उतर जाए। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, trust me। मैं सोच रही थी दोबारा जॉब शुरू कर दूं, तो अगर आपको कोई एतराज ना हो तो उसी स्कूल में दोबारा पढ़ाना शुरू कर देती हूँ जहाँ पहले पढ़ाती थी। हेमंत, तुम्हें कोई परेशानी है यहाँ पर? लेकिन अगर कोई पैसों का मसला है तो मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू, मगर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आ जाए। तुमने तो हमें वेलकम ही नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं खुद आके तुमसे मिल लेती हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि हमारा यहाँ यूं इस तरह आना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अब ऐसा भी क्या हो गया हमारे बीच? बाय द एंड ऑफ द डे हम दोनों बहनें तो हैं। हाँ, स्टेप ही सही, लेकिन बहने तो है ना। लाइबा, मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं। जो कहना है कहो और जाओ। तुम्हें मुझसे बहुत नफरत है ना? ये दिल चाहता होगा कि मुझे तुम कच्चा चबा जाओ। लेकिन देखो, अभी हम दोनों को एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना है, तो वाई नॉट हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा लेते हैं। हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। ठीक है, बाद में मुझे ना कहना, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हैदर को पता चलेगा कि मैंने तुम्हारी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया और तुमने साफ साफ इनकार कर दिया, तो जानती हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हैदर तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को जोरदार थप्पड़ भरोसा ही मारता है। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि यही भरोसा तुम्हें जमीन पे गिरा दे। आयशा के पास जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, आपने तो कुछ करना नहीं है, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना। अब आपकी तरह सारा का सारा दिन कमरे में बैठ के तो नहीं रो सकती ना, ऐसे तो नहीं गुजार सकती। अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। पता नहीं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? हम किसी और के घर आ गए हैं, मोहताज हो गए हैं, और ये तुम्हें प्रॉब्लम नहीं लग रही? मामा, ये किसी गैर का घर नहीं है, मेरी खाला का घर है। और ये बात आपको याद है, हम खुद नहीं आए, खाला हमें खुद लेकर आए हैं। जब आपको खाला खुद कह रही है कि हैदर कह रहे हैं आप लोगों की मर्जी, जिस तरह आप लोगों को रहने रहे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। हम भले आपा के घर आए हों,
लेकिन मुझसे अगर पूछो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम क्यों भूल रही हो, ये सिर्फ मेरी बहन का घर नहीं है, उनकी बहू का भी घर है, और वो बहू जिसका जीना हमने हराम कर दिया था, वो गिन गिन के हमसे बदले लेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिक्र ना करें, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना मजबूर करूंगी उसे कि उसके हाथ पांव बन जाएंगे और उसे ना समझ नहीं आएगी कि उसके साथ हुआ क्या है। पता नहीं तुम किस गलत फहमी में हो लाइबा, क्यों भूल रही हो हैदर उसके साथ खड़ा है। हाँ लेकिन कब तक, आखिर कब तक? वो दिन बहुत जल्द आएगा जब हैदर इसका हाथ पकड़ के ना खुद घर से बाहर निकालेगा। मुझे तो लगता है कि किस्मत ने ना मुझे एक और मौका दिया कि मैं हैदर के क्लोज हो जाऊं और उसका दिल जीतूं। मैं जानती हूं कि मामू ने जो हमारे साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन देखिए मुझे कितना फायदा हो रहा है इस सबसे ना। फायदा? हमारे करोड़ों का घर बिक गया, हमें एक रुपया नहीं मिला, और तुम फायदे की बात कर रही हो। देखिए मेरे लिए ना पैसा मोहब्बत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हुआ बस आप उसे भूल जाएं। अब राइबा तुम बस यहाँ से चली जाओ, फजूल में बकवास कर रही हो, मुझे इरिटेट कर रही हो। ठीक है, मुझे भी कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। आयशा यार अब निकल भी आओ, बहुत देर हो गई है। बस आ गई, जल्दी करो ना यार। हो गई तैयार, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। बस अच्छी। मैडम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, हमें बहुत देर हो गई है, बहुत लेट हो गए, अब चलें? चलते हैं। अच्छा वापसी पे ना अम्मी की तरफ चलेंगे, बहुत दिन हो गए मिली नहीं मैं उनसे। अरे आज नहीं यार, मुझे एक्चुअली लंच के बाद ना एक मीटिंग पे जाना है, किसी और दिन चले जाएंगे। ओ वो मैं तुम्हें एक बात बतानी भूल गया, मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उमर मुझे उसमें ज्वाइन करे। मैं बात करूंगी उससे, लेकिन अगर वो ना माना तो? इसमें ना मानने वाली कोई बात नहीं है आयशा, देखो व्हाटएवर देयर इज दैट आई एम सेइंग इट्स फॉर हिज ओन गुड, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उस घर के एक्सपेंसेस जो हैं वो उमर की सैलरी से कहीं ज्यादा हैं, तो इसमें फायदा भी उमर का ही है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपनी बात मनवा के रहता हूँ, फिर चाहे कैसे भी मनवाऊं। अच्छा खैर बहुत देर हो गई यार, चलो आ जाओ। आफ्टर यू। क्या हो गया राबिया, इस तरह तुम तो बेड से लग के बैठ गई हो बिल्कुल, कमरे से बाहर निकलो। नहीं आपा, मैं यहीं सही हूं। क्या हालत कर ली है तुमने रो रो के, इस तरह तो बीमार कर लोगी अपने आप को। राबिया वो घर तुम्हारी सेहत से ज्यादा कीमती नहीं है। मुझसे पूछे वो घर कितना कीमती है मेरे लिए, मेरे दुख का अंदाजा सिर्फ मुझे ही हो सकता है। सही कहते हैं ना, जिसको लगती है दर्द सिर्फ उसे ही महसूस हो सकता है। आप भी मामा को समझा रही है ना, कोई फायदा नहीं है ना समझाने का। मैं भी इनको बहुत बार समझा चुकी हूं, लेकिन इनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे अटका हुआ है कि मेरा घर मेरा घर मेरा घर। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगी कि मेरे लिए ये घर ज्यादा अहम है। राबिया तुम्हारी बेटी तो तुमसे ज्यादा अकलमंद और समझदार है। देखो जो होना था ना वो हो गया, अब प्लीज खुद को संभालो, इस घर को अपना ही घर समझो, जैसे दिल चाहे रहो, कोई रोक टोक नहीं है तुम पर। खाला मामा को छोड़े मुझे बताएं क्या करना है, आयजा को किस तरह घर से बाहर निकालना है, वैसे भी रास्ता तो हमारा साफ हो ही रहा है। अब तुम यहां आ गई हो ना तो ये मामला भी खुद ही संभालो, मैं और राबिया तुम्हारे साथ। क्यों राबिया?
अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं हर तरह से साथ देने को तैयार हूं। गुड। लो मैं कर देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगा, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ मेरे ना सर घूम रहा है मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं भी कॉफी पी लेती हूँ, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए। हैदर मुझे तुम्हें थैंक्स करना था। कितनी बार सोचा कि तुम्हारे रूम में आके तुम्हें थैंक्स कर देती हूँ, लेकिन आयशा का ख्याल आया तो मुझे लगा कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। किस बात का थैंक यू? हमें यहाँ लाने के लिए। आई नो तुम कहोगे कि घर की ही बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। आई विश कि मामा तुम्हारी बात सुन लेती। तुमने जो कुछ मामों के बारे में कहा वो सब सच निकला। पता नहीं बस हमें ही उनकी असलियत नजर नहीं आई। हमने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए वी आर जस्ट रियली सॉरी। लाइबा कि वाकई घर की ही बात है, माफी की कोई जरूरत नहीं है। काश काश हमने तुम्हारी बात मानी होती तो हमारा इतना बड़ा नुकसान ना होता। यू नो कई दफ़ा लोग सिर्फ इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि वो दूसरों का मशवरा लेना पसंद नहीं करते। हाँ। मैं तो बस आयशा के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारा यहाँ यूँ इस तरह ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि मैंने उससे इतनी मरतबा बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। जानती हूँ कि मैंने आयशा के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब तो मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। आयशा को थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ एकदम से तो ठीक नहीं हो जाएगा ना लाइबा। और वैसे भी आयशा दिल की बुरी नहीं है, ना ही कमजोर है। वो कभी किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी नहीं समझते। एक चीज की मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूं, ना तो वो तुम्हें इस घर से निकालेगी और ना ही तुम लोग इस घर में अनकंफर्टेबल हो गए। आई प्रॉमिस यू। डू यू वांट इट स्ट्रॉन्ग?